हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लेयर्स ग्राफी में। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके के सॉन्ग्स के पोस्टर बनाने वाले हैं, वो भी फ़ोन के अंदर, क्योंकि गाइस हर किसी के पास पीसी और कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते, पर फ़ोन हर किसी के पास अवेलेबल होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पे तो पीसी नहीं है तो हम सॉन्ग्स के पोस्टर कैसे बनाएं। तो आज इस वीडियो में आपको इसी बात का सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। हम इस तरह के पोस्टर और इससे भी बेहतरीन पोस्टर हम फ़ोन के अंदर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बता के ज़रूर जाना। गाइज, मैं आपको इस वीडियो में तो फ़ोन से पोस्टर बनाना सिखाने वाला हूँ, एंड इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो उसमें मैं आपको फ़ोटोशॉप से ही पोस्टर बनाना सिखा दूँगा, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से एंड बिल्कुल प्रोफेशनल पोस्टर्स। एंड वहाँ मैं आपको फ़ॉन्ट की सारी नॉलेज दूंगा, सब कुछ बताऊँगा, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं एडिटिंग की तरफ। तो गाइज, ये हमारे मॉडल की फ़ोटो है एंड ये फ़ोटो है, ये दो फोटो हैं। इसको हमें पहले बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। मैंने फ़ोटोशॉप से बैकग्राउंड इरेज कर लिया था, वो फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड इरेज कर लिया है एंड इस फ़ोटो का भी बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। एंड सबसे पहले अब हमें सब इसका पीछे का बैकग्राउंड चाहिए, जो कि पीछे सॉन्ग्स के पोस्टर में हमेशा स्काई का बैकग्राउंड ही अच्छा लगता है, और मोस्टली पोस्टर्स में स्काई के बैकग्राउंड ही होते हैं। तो हम इस तरीके का बैकग्राउंड पहले चूज़ कर लेंगे। तो गाइज, ये हमारा बैकग्राउंड है, इसको मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड करा हुआ है और मैंने कलर रिटचिंग इसमें करी हुई है। अगर आपको ये बैकग्राउंड चाहिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसको अब शेयर करके लेके चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो गाइज, पिक्सआर्ट के अंदर हम इस बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब सबसे पहले जो हमने मॉडल की फ़ोटो को क्रॉप करा था, उस फ़ोटो को यहाँ पर लेकर आएंगे, जो हमें पीछे लगानी है। गाइज, ये फ़ोटो यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं, इसको हम अपने हिसाब से ज़ूम कर लेंगे। मैंने इसको इतना ज़ूम किया है एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं, 33 यहाँ पे मेरे को सही लग रही है। एंड अब इरेजर टूल पे जाके इसकी हार्डनेस पूरी कम करके एंड साइज़ अपने हिसाब से रख के फुल कर देते हैं। अब इसको हम बीच में ऐसे 2-3 बार टच करेंगे, इसको अंडू करते हैं, इतना बहुत है बस। एंड इसकी ओपेसिटी हल्की सी बढ़ा देंगे एंड फिर से एक बार इरेजर मारेंगे, साइज़ थोड़ा कम करके बीच में इरेजर पे टैप 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 करते रहेंगे एंड इसको कर देते हैं टिक। अब हमें इस वाले फ़ोटो के ऊपर एक और फ़ोटो लगानी है, वो भी इसी मॉडल की, उस फ़ोटो को भी हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। गाइज, ये फ़ोटो भी यहाँ पर हम इसको लेकर आ गए हैं, इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं इस तरीके से, इतना रख के परफेक्ट। अब हमें इस फ़ोटो को नीचे से कवर करने के लिए एक PNG यहाँ पर लगानी पड़ेगी, जो कि बड़ी कमाल की PNG, मेरी फेवरेट है वो, उसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो गाइस, ये PNG यहाँ पर आ गई है एंड इसको ज़ूम करके इसको कर दे देंगे यहाँ पर सेट कुछ इस तरीके से एंड इसको ऊपर करके स्ट्रेच कर देंगे। तो गाइस, फ़ोटो में एक अलग सा ही लुक आ गया, इसे लगा के कुछ रियलिस्टिक सा लुक आ गया इस फ़ोटो के अंदर। एंड अब पहले इस फ़ोटो पे क्लिक करके इरेजर टूल पे जाके इसकी हार्डनेस अपने हिसाब से 70 रख के एंड ओपेसिटी फुल, साइज़ थोड़ा कम करके इसके साइड में यहाँ पर ऐसे मारनी है, जो कि लगे कुछ हार्डनेस इसकी थोड़ी और कम करते हैं, ऐसा लगे कि साइड में से शेडो पड़ रही है, इससे भी रियलिस्टिक लुक आता है फ़ोटो के अंदर। एंड इसको कर देते हैं ठीक। एंड जो हमारी PNG थी, अब उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी अपने आप। तो गाइज, हमारा पिक्सआर्ट के अंदर सिर्फ इतना ही काम था। अब इसकी जो टेक्स्ट है, उसकी अब हमें टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग करनी है अपने हिसाब से। और मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, उस एप्लीकेशन में आपको एक से एक फॉन्ट मिल जाते हैं। एंड अभी इसको यहाँ से सेव करके, इसको ड्रॉ टूल में यहाँ से सेव करके चलते हैं गैलरी के अंदर। तो गाइज, ये फ़ोटो जो हमने अभी अभी पिक्सआर्ट से यहाँ पे सेव करी है,
अब इसको मैं शेयर करके लेकर जाऊंगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। गाइस ये वो एप्लीकेशन है जहां पर हमारे पोस्टर की टेक्स्टिंग होएगी, टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग होएगी। अब इस पर क्लिक करके चलते हैं हम इसके अंदर। यहां पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी एंड इसको करते हैं डिलीट। अब यहाँ थ्री डॉट्स में जाके यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे करेंगे। जो हमने अभी पिक्स आर्ट में फ़ोटो एडिट करी है उसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ से करेंगे टिक। तो गाइज अब जैसे आपको यहाँ पर टेक्स्टिंग करनी है, जैसे सॉन्ग का नाम आपको लिखना है, यहाँ पर मैं नशा लिख देता हूँ, नशा सॉन्ग का नाम है। तो यहाँ ए पे क्लिक करके, टेक्स्ट पे क्लिक करके, इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसको फुल रखता हूँ, कैप्स लॉक ऑन करके नशा इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ से आप इसके कलर देख सकते हैं, आपको किस तरीके का कलर रखना है। आप यहाँ पे स्काई ब्लू रख सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको करते हैं ओके। अब हम इसके साइज़ को बढ़ाएंगे, इतना इसका साइज़ रख लेंगे ऐसे एंड अब इसको करेंगे थोड़ा बोल्ड। अब यहाँ पर हम फॉन्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। यहाँ पर एक से एक आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, तो मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पर लगा देता हूँ एंड इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे फॉन्ट अपने सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे फॉन्ट ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, मैंने PNG बना रखी है सब फॉन्ट्स को ऐसे सेलेक्ट करके। तो मैं डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा उन फॉन्ट के PNG को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, जो मैंने इसी ऐप से पिक्सल ऐप से सेम इसी प्रोसीजर से बनाए हैं। उसकी आपको जैसे शेडो देनी है तो मैं आपको शेडो दिखा देता हूँ कैसे दोगे। शेडो पे जाके इसको सिर्फ अनेबल कर दो एंड यहाँ से आपको वाइट शेडो देनी है तो यहाँ से आप वाइट शेडो दे सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी शेडो दे सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, यहाँ से स्प्रेड कहते हैं, कंप्यूटर में इस वाले टूल को स्प्रेड कहते हैं एंड फ़ोन में इसका नाम है ब्लर रेडियस। तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आउटर ग्लो भी कर लेते हैं, इसमें भी आप अपना यहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं। एंड ऑफ सेट पर आप इसकी ये देख सकते हैं कि हमें कितना इसको इंक्रीज़ करना है, इसको टिक करते हैं। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर इस वाले फॉन्ट को कर देता हूँ डिलीट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्टिंग की हुई है, मैं डायरेक्ट उस PNG को यहाँ पर अब आपके सामने लेकर आ जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने ये सब कैसे करा। तो गाइज यहाँ पर मैं सब कुछ लेकर आ चुका हूँ, इसको मैं डायरेक्टली सिंपल यहाँ से जूम करता हूँ और ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी इसी साइज़ की है तो यहाँ पर अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, नशा जो लिखा है यहाँ, मैंने आपको अभी एडिट करना सिखाया उस हिसाब से, मैंने यहाँ पे स्ट्रोक आपको दिखाई थी कैसे करनी है। तो ऊपर जो स्वीट किंग आप मतलब अपने सिंगर है जो भी है आप वहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। इसकी टेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हमें स्वीट किंग लिखना है तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ कि इसके बीच में इतना गैप कैसे आएगा। तो इसको अभी यहाँ करते हैं डिलीट, टेक्स्ट पे जाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे स्वीट किंग, इसको कैपिटलाइज रख के अब यहाँ से जैसे हमने इसको स्वीट किंग लिख दिया है, अब यहाँ टेक्स्ट पे जाके इसको कलर कर देते हैं पहले तो ब्लैक, ओके कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे टिक। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से फॉन्ट चेक करेंगे, मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ अलेजरा वाला एंड ओके करते हैं एंड इसको कर देंगे बोल्ड। अब यहाँ पर आपको देनी है पहले तो हम इसका साइज़ कम करते हैं, हमें इतना साइज़ जैसे इसका रखना है। अब इसको करते हैं ओके। अब यहाँ से इसकी पोजीशन को हम ले आएंगे सेंटर में, इसको करते हैं टिक। अब आपको इसके बीच में स्पेस देना है, तो ये स्पेसिंग जो बना दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितना मर्जी स्पेस दे सकते हैं
इंक्रीज़ करते रहेंगे, आपका स्पेस बढ़ जाएगा। एंड इसको टिक करके अब दोबारा रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको कर देंगे सेंटर। तो इस तरीके से गाइस आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे नीचे कमिंग सून के पीछे आपको बोल्ड सी वो लाइन दिख रही थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब जैसे दोबारा टेक्स्ट लेते हैं, इस पर करेंगे, यहाँ लिखेंगे कमिंग सून। इसको ओके करके यहाँ पर सेट कर देंगे कमिंग सून को। एंड इसके टेक्स्ट हम वाइट ही रहने देते हैं। एंड इसका फ़ॉन्ट कर लेते हैं हम सेलेक्ट। मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी हम पहले टेक्स्ट साइज़ को छोटा करेंगे, अपने हिसाब से रख लेंगे इतना। एंड इसके रिलेटिव पोजीशन इसको सेंटर में ले लेंगे। अब जो पीछे बोल्ड सी वो लाइन आ रही थी, अब उस लाइन को हमें यहाँ पर लेकर आना है। टेक्स्ट ये जो बैकग्राउंड आपको बना दिख रहा है टी के नीचे बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे, इसको करेंगे अनेबल। अब यहाँ से अनेबल करने के बाद इसकी ब्लैक ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसकी ओपेसिटी यहाँ से अपने हिसाब से कम कर लेंगे। एंड ये लेफ़्ट पैडिंग जो दिख रहा है अब इसको करेंगे इंक्रीज़, एंड राइट पैडिंग को भी इंक्रीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी पीछे की लाइन आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर आप सारी टेक्स्टिंग करके अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग करके जैसा आपका दिमाग है या जैसा आपका सॉन्ग का पोस्टर है उस हिसाब से यहाँ पर आप सेटिंग सारी करके अपने हिसाब से एक यहाँ पोस्टर सॉन्ग्स के बना सकते हैं फ़ोन के अंदर। अब मैं यहाँ पर काम सिर्फ यहाँ इतना ख़त्म नहीं हो गया है। यहाँ पर आपको सारी टेक्स्टिंग करने के बाद इस फ़ोटो को एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर वेरी हाई करके एक्सपोर्ट कर लेंगे सेव टू गैलरी। अब इस फ़ोटो को हमें लाइट रूम के अंदर लेकर आना है, जो कि कलर करेक्शन हम लाइट रूम के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ लाइट रूम मैंने ओपन कर लिया है गाइस। लाइट रूम में यहाँ पर फ़ोटो को इंपोर्ट करने के बाद आपको अपने हिसाब से यहाँ कलर रिटचिंग करनी है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एंड अपनी फ़ोटो के हिसाब से एंड फ़ोटो की क्वालिटी के हिसाब से। तो मैं पहले इसका फेस मेरे को ज़्यादा येलो टोन में लग रहा है, तो इसको हम इसकी सैचुरेशन यहाँ पर कम करेंगे। इसका ऑरेंज कलर फेस का पिक करके इसकी सैचुरेशन कर देंगे यहाँ पे इन डिक्रीज़ कर देंगे। एंड इसकी लाइटनिंग को इंक्रीज़ कर देंगे एंड इसको थोड़ा पिंक कलर की टोन में लेकर आएंगे। एंड अभी इसको येलो टोन पे क्लिक करके इसकी भी सैचुरेशन हम यहाँ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। अपने हिसाब से यहाँ पर आप कलर रिटचिंग कर सकते हैं। एंड इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे एंड सैचुरेशन को भी डिक्रीज़ करेंगे। एंड अब इसकी वाइब्रेंस हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे एंड टिंट को थोड़ा पिंक टोन में यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा पीछे का बैकग्राउंड पिंक है। तो देखिए फ़ोटो में एक अलग सा लुक आ गया है। एंड अब इसकी क्लैरिटी थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं एंड डिहेस को यहाँ पर कम रखेंगे हम। एंड इसकी विजिनिटी आपकी मर्ज़ी है, कम करो ना करो, मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर क्योंकि ये अच्छी लग रही है। एंड इसकी शार्पनेस कर देंगे इंक्रीज़ एंड नॉइस रिडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे। एंड ये सब करने के बाद अपने हिसाब से कलर रिटचिंग करने के बाद आपको फिर फ़ोटो को एक्सपोर्ट करना है लाइट रूम के अंदर एंड फिर से पिक्सल लैब के अंदर जाना है। फिर जैसे मैंने आपको टेक्स्टिंग करना सिखाया था, टेक्स्ट डिज़ाइनिंग करना सिखाया था, आप वहाँ जाके डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने पोस्टर्स बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना एंड फ्यूचर में आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मस्त सी एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।